हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फिर से आरती इंडस्ट्रीज़ की। आरती इंडस्ट्री जो ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, अब रिसेंट टाइम में भी करेक्ट होता हुआ नज़र आया, तो देखते हैं कहाँ पर इसका सपोर्ट बनता है और कहाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या टारगेट्स निकाल के दे सकता है। फंडामेंटल सब जानते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट किस प्राइस के ऊपर भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेना चाहिए ताकि रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बने और अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकें। तो देखिए, कुछ ट्रेंड लाइन्स वीकली चार्ट के ऊपर हमने लगा रखी हैं और ये पुराना चार्ट आप देख रहे हैं, काफ़ी पुराने टाइम से इसी लाइन्स को ये फॉलो कर रहा है। तो देखिए, ये सबसे नीचे की लाइन जो है सपोर्ट जोन है इसका, और सबसे ऊपर की लाइन देख रहे हैं ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। इन दो लाइन्स के बीच में ये स्टॉक जो है लगभग आप देखेंगे 2019 के आसपास से स्टॉक जो है काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन दो लाइन्स की क्या इंपॉर्टेंस आप देखिए, यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता रहा। जैसे ही इस लाइन को इसने ब्रेक किया तो स्टॉक जो है इन ऊपर की दो लाइंस के बीच में काम करता हुआ नज़र आया, तो ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आया। जैसे ही इस लाइन को ये ब्रेक करता था यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आता था। अब स्टॉक ने क्या किया है, दो बार आप देखेंगे इस लाइन को ब्रेक किया है और नीचे सपोर्ट लिया, पुरानी वाली सपोर्ट लाइन पे अगेन जो है स्टॉक ऊपर गया। सेम जो लाइन थी जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, स्टॉक अगेन नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। 40 की RSI है जो कि वीक स्ट्रक्चर को शो कर रही है कि अभी स्ट्रेंथ इसके अंदर इतनी नहीं है कि एक लाइफ टाइम हाई तक स्टॉक जो है जाता हुआ नज़र आए। तो पूरा चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, और जहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करते हैं स्टॉक्स, वहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर कैसा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ट्रेंड आपको इस टाइप से दिखाई देगा। इन्हीं लाइंस के बीच में स्टॉक ने काफ़ी टाइम काम किया है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है बिल्कुल अपने पहले भी इसी लाइंस के आसपास आके सपोर्ट लिया था और वहाँ से बाउंस बैक किया। अब देखेंगे यहाँ से स्टॉक जो है नीचे फिसलता हुआ नज़र आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, फिर से यहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका सपोर्ट लेवल बनकर आता है यहाँ पर 30 की RSI है, 30.78 की डेली बेस के ऊपर, जो कि वीक स्ट्रक्चर को शो कर रही है। तो स्टॉक जो है नीचे ये जो लेवल्स बनते हैं, अगर 2 आवर्स बेस के ऊपर देखें थोड़ा सा किस टाइप से आवरली बेस के ऊपर स्टॉक जो है काम कर रहा है, तो आप देखेंगे इस टाइप से स्टॉक जो है पूरा का पूरा काम कर रहा है। यहाँ पर जो है स्टॉक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 872 के आसपास पे, तो 872 को निकालना इसके लिए क्लोजिंग बेस पे काफ़ी ज़रूरी है। देन जो है आप देखेंगे 900 के आसपास जो है इसका सपोर्ट बनकर आता है, और नीचे के लेवल देखेंगे 832, अगर 847 848 के आसपास स्टॉक चल रहा है अभी, 832 और देन 821, 832 और 821 के आसपास आपको नज़र रख के चलना है। इस लाइन को अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इस लाइन के जब तक ऊपर है कोई भी डर नहीं है, स्टॉक अगेन इन्हीं लाइन से बाउंस बैक करता हुआ नज़र आ सकता है। ऊपर के लाइन पर जैसे मैंने बताया 872 और देन 900 के आसपास इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, और उसके बाद अगर ये मूव करता है तो अगेन जो है 954 के आसपास स्टॉक जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, नीचे आपको रखना है 832 के आसपास, 821, इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। ऊपर के लेवल पे 872 को क्लोजिंग बेस पे क्रॉस करना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा स्टॉक है, नीचे के लेवल पे अकोमोलेट कीजिए, रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा बनकर आएगा। जब बाउंस करेगा तो सभी रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ लाइफ टाइम हाई को भी टच करता हुआ नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।